गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे इनफील्ड की मेटियोर जो कि इसका ये बेस वेरिएंट है, तो काफ़ी बेस भी आपको देखने से लगेगा नहीं कि ये बेस वेरिएंट है। थोड़ा थोड़े से जो चेंजेस है वो मैं आपको बताते चलूँगा। तो फ्रंट में आपको इसमें हैलोजन लैम्प ही मिलते हैं, और ये साइड में आप देख रहे हैं ये आपको DRL मिल जाती है। कनेक्शन नहीं है तो मैं इसको जला नहीं सकता हूँ। बाकी आपको ये देख सकते हैं कि टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलते हैं फ्रंट, और फ्रंट में आपको ये मिलते हैं, ये आपको प्लास्टिक का ही मिलेगा। जैसा कि मैंने आप पहले ही बताया कि सिर्फ क्लासिक में आपको ये सारी चीज़ें मेटल की मिलती हैं, बाकी सब में प्लास्टिक। तो फ्रंट में आपको इसमें आप देख सकते, इसका लोअर मॉडल है तो इसमें आप देख सकते हैं, इसका टॉप वाले मॉडल में जो है यहाँ पे एक क्रोम का दिया गया है डुअल टोन में, मतलब एलोबिल उसको बोल सकते हैं कि वो डुअल टोन। ये सिंपल भी ब्लैक इसमें आता है। इसमें टायर साइज की बात करूँ तो 100/90/19, इसमें 19 इंच के आपको अलॉय मिलते हैं। तो साइज आपको सेम मिलेगी, चाहे वो टॉप हो चाहे वो लोअर हो, तो साइज़ आपको सेम मिलेगी। आपको ट्यूबलेस टायर इसमें मिल जाते हैं, और डिस्प्रेक की बात करें 300 mm का आपको इसमें डिस्क मिलता है विथ ABS। तो ये और यहाँ पे रिफ्लेक्टर, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको टॉप और लोअर में आपको सिर्फ ये एक अलॉय व्हील का चेंज था। बाकी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, तो ये आपको टॉप मॉडल में ये आपको क्रोम मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक, यहाँ पे मैट ब्लैक कलर में मिलता है। तो ये भी एक्चुअली मुझे तो क्रोम अच्छा नहीं लगता, तो मुझे ये ही कलर अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये एक पहचान है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सेम हैं यहाँ पे आपको। तो गाइस यहाँ पे आपको बम्पर मिल जाएगा, जो कि आपको आई थिंक पार्ट ऑफ एसेसरीज में मिलेगा। और ये देखते हैं इंजन आपको सेम मिलेगा। तो सेम की मैं बात बता दूँ तो क्लासिक में भी यही इंजन आता है, और मेटियोर में भी यही इंजन आता है, और इसकी अभी नई लॉन्च हुई है हंटर, उसमें भी सेम यही इंजन आता है सेम पावर आउटपुट के साथ। तो सिर्फ यहाँ पे आपको इंजन पे यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्रोम का यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलेगा, जो कि क्लासिक में ऐसा नहीं आता है। रियर की बात करें, यहाँ पे आपको मेट्रोर की वेजिंग मिल जाएगी, 350 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे एक साइलेंसर मफलर मिल जाता है। रियर में भी आपको ABS और डिस्क ब्रेक मिलती है, जिसमें 270 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। और सेम आपको टायर साइज़ की बात करा दूँ तो मैं टायर साइज आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें 140/17/17 आप इसको 17 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, और टायर का वाइड एंगल इसमें 140 mm मिलता है विथ ABS। फ्रंट में आपको ABS और रियर में भी आपको ABS मिलता है। रियर की बात कर लूँ तो यहाँ पे भी सेम 10 लाइट मिलता है, एक जो कि ये LED में है और ये हैलोजन में है। इसके ये LED में है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है, अगर यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इस साइड की बात करा दूँ तो एक और टॉप मॉडल से आप बता देता हूँ कि टॉप मॉडल में यहाँ पे एक आपको पिलियन के लिए एक आर्मरेस्ट पीछे लगा रहता है ग्रैब हैंडल पे, इसमें सिंपल ही आता है। यहाँ पे साड़ी गार्ड मिल जाता है, जो कि एज इट इज सेम ही है। ओपन चैन आता है यहाँ पे भी आपको, और ये प्लास्टिक है। इंजन की बात कर लें तो इंजन सेम आपको मिलता है, यहाँ पर गियर मिलता है, 5 स्पीड ट्रांसमिशन इसमें मैनुअली मिलती है। टैंक की बात कर लें तो यहाँ पर आपको टॉप मॉडल में यहाँ पर आपको क्रोम में यहाँ पर रॉयल इनफील्ड लिखा मिलेगा, और इसमें नॉर्मली ये आपको ब्लैक कलर में यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी चार मॉडल में ये सारे डिफरेंसेस थे। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करना तो 180 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी है, आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आपको 12 स्टेप में मिलता है, हालांकि एक मड फ्लैप मिलता है, ये भी प्लास्टिक में ही है और ठीक ठाक सा ही है। फ्यूल टैंक की बात करूँ तो इसमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और वो आपको डुअल टोन में आपको सीट मिलती है। ये वाली सीट आप देखते हैं काफ़ी, ये पहले क्लासिक की, पहले वाली क्लासिक की, जिसमें पीछे एक स्प्रिंग आता था उसकी याद दिलाती है कि ये उस टाइप की सीट है। यहाँ पे आपको स्विंग आर्म मिलता है, जो कि मल्टी स्प्रिंग है, ये सारे कोई इसमें नाइट्रोक नहीं मिलता है। तो गाइस बात कर लेते हैं इसके मीटर की, तो आप मीटर में इसे आपको सिंपली आपको मिल जाएगा, यहाँ पर स्पीडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको फ्यूल का लेग मिल जाएगा, और यहाँ पर आप मीटर को आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं AAA, 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 AAA ऑडोमीटर मिल जाता है, और आपको टाइम दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्यूल का यहाँ पे इंडिकेटर का, बैटरी का पॉइंट है, ABS की लाइट यहाँ मिल जाती है, और फ्यूल इंजेक्टर का यहाँ पे मिलता है, 2 चाबियाँ मिल जाती हैं, और आपको यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच और स्टार्ट स्टॉप की बटन यहीं मिल जाती है, हॉर्न आपको यहाँ पे मिल जाता है। और फ्रंट से आपको दिखा देता हूँ, ये एक दूसरी बाइक है इसका, इसमें आप देख सकते हैं इस टाइप की आपको हेडलाइट मिलती है, जो कि साइड में गोल राउंड में आपको DRL और फ्रंट में हैलोजन लैंप मिलता है, और इसमें कार जैसा हेजार लैंप भी आ जाता है, जो कि आप देख सकते हैं जल रहा है वो अगेन। तो गाइस बात कर लेते हैं इसकी प्राइजिंग की, तो प्राइस है इसकी 2,29,957 रुपये, जो कि रायगढ़ में है प्रियंका मोटर्स पे। तो अगर आपको बाइक अच्छी लगती है तो आप टेस्ट राइड के लिए आ सकते हैं प्रियंका मोटर्स पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।